केदारनाथ उपचुनाव के गढ़ में आरोप प्रत्यारोप के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। एक ओर जहां दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सीएम धामी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सीएम धामी ने कांग्रेस के कार्यकाल में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण मुद्दा उठाते हुए कहा कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। यही नहीं, इस मंदिर का निर्माण पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोडियाल के बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुए हुआ था। वहीं सीएम धामी के आरोप पर गणेश घोडियाल ने अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर पवित्र जल हाथ में लेकर शपथ ली है कि मंदिर निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं रहा है। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने मुख्यमंत्री और सरकार को घेरा है। महरा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बद्रीनाथ धाम की जगह अब वहां लगाए गए बोर्ड्स में जो स्पिरिचुअल टाउनशिप लिख दिया गया है उसके लिए क्या कहेंगे, जिसे ठीक तरीके से भाजपा सरकार में जोशीमठ बर्बाद हुआ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुख्यमंत्री को देने होंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो लोग कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य बन गए, हम शिला ले गए। अरे भाई, आपने भी जो है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का मंदिर बंबई में जाकर स्थापित करवा दिया। उस समय में आप मुख्यमंत्री थे, हैं हमारे श्री गणेश घोडियाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे, तो उस समय में जो है कहाँ चले गए थे भाई? आपने क्यों ऐसा काम किया जो आज कह रहे हो शिला ले गए हैं? हमें तो जैसे ही पता लगा कि उस मंदिर का नाम जो है केदारनाथ मंदिर रख रहे हैं या कोई इस प्रकार की बात हो रही लोगों के बीच में, से हम तुरंत कैबिनेट में हमने एक फैसला कर लिया, हमने नियम बना दिया कि आप कोई भी जो है हमारे धामों के नामों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई ट्रस्ट नहीं बना पाएगा। आखिर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस मंदिर में आने से आप उत्तराखंड नहीं भी जाएंगे तो वही पुण्य मिल जाएगा, ना हमारे मुख्यमंत्री ने उसका महिमा मंडन किया। हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर हैं, देवी के सैकड़ों मंदिर हैं, मंदिर बनाने में किसने मना किया? लेकिन जो बुराड़ी में हो रहा था उसको धाम का नाम दिया गया था, उसका विरोध था। जो QR कोड जारी किया गया था कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट को जो है पैसा इस QR कोड में दे, और मैंने आप सबके सामने डेमो करके भी दिखाया, इनके कैबिनेट के फैसले के भी 5 दिन बाद भी उसमें पैसा जा रहा था, और अभी हालिया दिन तक भी जा रहा था, वो सेठू की जेब में जा रहा था। ये जो ठगी थी उसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का उसमें उद्घाटन में जो उद्बोधन किया, उन्होंने जो ये कहा कि केदार उत्तराखंड जाके केदारनाथ धाम जाकर जो पुण्य मिलेगा वही दिल्ली के बुराड़ी के मंदिर में भी आके पुण्य मिलेगा, हमारा इस चीज को विरोध था। क्योंकि केदारनाथ भगवान हमारे लिए आस्था धर्म के साथ साथ, हमारी संस्कृति के साथ साथ, हमारी पेट का सवाल भी है। हमारे चारधाम यात्रा से गढ़वाल का पेट भरता है, उत्तराखंड का नाम होता है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनकी जो सेवा होती है, जो वो यहाँ आकर प्रभु से जो मांग करते हैं, जो प्राप्ति उसकी होती है, उससे उत्तराखंड का चेहरा पूरे विश्व में जाता है। सनातन धर्म के 9 लाख पुराने ज्योतिर्लिंग को आप कैसे वहां एस्टेब्लिश करते हैं? जो हमसे बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ धामी जी से, कि हमारे यहाँ एक धाम है, भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम हमारे यहाँ है। हमेशा से आपने, मैंने, हमने देखा बोर्ड में लिखा रहता था बद्रीनाथ धाम, आपने लिख दिया स्पिरिचुअल टूरिज्म।